मध्य प्रदेश में मानसून जोर पकड़ गया है। श्योपुर जिला में तेज बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। जिले के बड़ौदा नगर इलाके में पिछले 24 घंटे में 13 इंच से ज्यादा पानी गिरे। सड़क, घर, स्कूल, थाना, अस्पताल सब जगह पानी भर गया। हालात ऐसे बने कि क्यों जगह लोग कल रात भर घरों की छतों पर बैठे रहे। SDOP कार्यालय और थाने तक खाली कराने पड़े। सड़कों पे तो पानी भर गया कि नाव चला के लोगों को रेस्क्यू करने पड़े। खाड़, नाला, उफान पे आवे से बाढ़ की स्थिति बन गई। श्योपुर को राजस्थान के कोटा और बारां से संपर्क टूट गया। शनिवार को कलेक्टर और SP ने हालात को जायजा लो। रेस्क्यू के लाने SDRF की टीम को बड़ौदा में तैनात करे गए है। हालांकि शनिवार को बारिश नहीं होने से पानी उतरे। करीब 2 बजे बड़ौदा कोटा हाईवे से पानी उतरे। इसके बाद सवेरे से बंद पड़ो आवागमन शुरू हो गया। नगर में जमा बारिश को पानी भी निकलने लगे, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आप भी देखो वे तस्वीरें जिते कल लगातार 24 घंटा की बारिश के बाद बाढ़ के हालात दिखाई दे। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।